इस वीडियो में आप लोगों को 2024 का रैंक रिवॉर्ड दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही लेजेंडरी होने वाला है। साथ में क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे वो देखने को इसी क्लिप में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हूं कि आदि पुरुष जैसा हाल होने वाला है अपने फ्री फायर के अंदर। हालांकि हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है कि कॉन्ट्रोवर्सी देखने को ना मिले। अब वो क्या चीज है क्या नहीं तुम्हें तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। इस वाले में नहीं बल्कि एक लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दे रहा हूँ, वो वीडियो को जाकर अभी देख लेना। हो सकता है जो चीजें वहां पर होगी वो चीजें तुम पहले ही जानकर बैठे रहोगे तो शायद कुछ समस्या भी निकल जाए। यानी कि कहने का मतलब है समस्या का कोई ना कोई समाधान। खैर हमारे लीक्स के अपडेट के अकॉर्डिंग के आगे बढ़े तो आप लोगों को मैं सारी डिटेल्स बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज गौर से इस वीडियो को देखते जाइए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो हमेशा की तरह मिलती रहे और फ्री फायर के अदर चीजें आने से पहले आपको एडवांस में पता भी रहे। नंबर एक पे जो आता है वो है भाई अपना न्यू ईवो द बॉय बंडल है। और ये इसका जो टाइटल दिया गया है वो द बॉय नाम से होने वाला है। और ये कोई द बॉय नाम से नहीं, मतलब ये मैं सोचना कि द बॉय जो बॉय सीरीज वाला जो एक सुपर हीरो से आर रेटेड एडल्ट्स वाला मतलब वेब सीरीज है उसके साथ कोलैबोरेशन नहीं करा करे ना, कहीं ऐसा सोच रहे हो। बस इसका देखो द बॉय नाम है और उसका द बॉयस नाम है, तो भाई दोनों में एक फासला है। द बॉय एक ईवो बंडल होने वाला है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इमोट भी होने वाले हैं। देन इसका बंडल मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। खैर ये इवेंट एक पैड में आने वाला है जो कि आप लोगों को जाहिर सी बात है यार इतना साइंस तो मिलने वाला नहीं है, अच्छा खासा डैमेज लगने के बाद ही मिलेगा। खैर इसके थीम पे क्या क्या और आइटम्स हैं वो आप लोगों को मैं रूबरू करा देता हूं। पहला जो कि आप लोगों को AWM के स्किन लेजेंडरी देखने को मिलेगा जिसका आर्मर पेनिट्रेशन डबल होने वाला है, डैमेज सिंगल होने वाला है, मूवमेंट स्पीड माइनस होने वाला है। हालांकि ये स्किन काफी अच्छी खासी है तो मे बी पॉसिबिलिटी चांस है कि ये फ्री तो नहीं बल्कि पैड ही होगा। एंड दूसरा इसका रिवॉर्ड की बात करें तो द बॉय नाम से ग्लोवॉल स्किन भी देखने को मिलेगा जो कि ये भी यार बहुत लेजेंडरी है तो फ्री तो नहीं है। द बॉय नाम का फेस स्किन भी होगा तो जाहिर सी बात है ये भी समझ जाओ ये भी फ्री नहीं है। द बेस बॉल बैट स्किन पॉसिबिलिटी चांस है कि शायद से ये फ्री मिल जाए, लेकिन देखो बॉयस बॉल बैट स्किन का आगे बढ़े तो दो बॉय कटाना स्किन भी है तो भाई कटाना स्किन भी नहीं लगता मुझे ये फ्री मिलने वाला। द बॉय नाम का ग्रेनेड स्किन भी होगा। खैर देखो क्या होता है ये इवेंट चलता है तो कि हमें फ्री का मिलता है, मिलना तो चाहिए। वैसे तो विंटर फेस्ट में सबसे स्पेशल डे के लिए इस डिजाइन किया गया है इस बंडल को। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं न्यू स्काई बोर्ड स्किन। हालांकि V42 में बहुत प्रकार के स्काई बोर्ड स्किन आए हैं लेकिन मैं इनमें से सबसे यूनिक वाले स्काई बोर्ड का ही रिवील करूंगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो बस टाइप का एक स्किन होने वाला है जो कि स्काई बोर्ड का है। इसका पूरा नाम बस ट्रांसिट है और इसके ऊपर मतलब बैठ के आराम से लैंडिंग कर पाओगे तो भाई कतई जहर है। लेकिन यूनिक वाला मैंने आपको स्काई बोर्ड दिखाया तो भाई ये मत कहना कि सारे स्काई बोर्ड दिखा दो, भाई ऑलरेडी बहुत सारे डाटा माइनस दिखा चुके हैं लेकिन मैं उनमें से यूनिक ही चीज दिखा रहा हूँ जो अच्छे से किसी को पता नहीं है। एंड यहाँ पर लूट बॉक्स वॉचर वाला स्किन देखने को मिलेगा जो कि इतना तो खास नहीं है, बस ठीक ठाक है। एंड हाँ जोमी अटैक थीम पर एक स्किन आने वाला था M1014 का जिसका लुक आप देख पा रहे होंगे और ये मैं बहुत पहले ही यार बता दिया था कि यार OV42 में इसका एक स्किन रह रहा जो कि आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये एक लेजेंडरी गन तो नहीं है, नॉन लेजेंडरी गन है। एंड यहाँ पर M4A1 का सनराइज रियल मी स्किन देखने को मिलेगा, रियल मी तो नहीं रियल मी कुछ ऐसा ही नाम है इसका। इसका भाई एट्रीब्यूट्स होने वाला है रेंज डबल होने वाला है, रेट ऑफ फायर सिंगल होगा और मैगजीन माइनस होगा। एंड यहाँ पर विंटर फेस्ट थीम यानी विंटर लैंड का जो इवेंट चलेगा उसके थीम पे भी बहुत सारे रिवॉर्ड होंगे। अब उनके थीम पर स्केट का स्किन, पैन का स्किन और यहाँ तक कि यार मैं बता दूं कि लाइट फेस्ट का इवेंट चलेगा यानी दिवाली का तो उसका थीम पर कटाना का लुक भी ऐसा देख सकते हो। बंडल्स मैंने पिछली वीडियो में ही दिखा दिया था और इसके थीम पर क्या कॉन्ट्रोवर्सी भी है वो पिछली वाली वीडियो एक बार देख लेना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके उस वीडियो को पक्का से पक्का देख लेना। एंड आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि नोबल लेवल वाला एक ग्लोवॉल का स्किन देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये उन्हीं लोगों को भी फ्री में मिल सकता है जिनका लेवल हाईएस्ट है यानी 90 से ज्यादा है या 90 तक है। अब देखो ये कहीं पैड इवेंट में भी आ सकता है मुझे यहाँ तक लग सकता है, बाकी जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया उस हिसाब से तो लगता है ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जिनका लेवल अच्छे से अच्छे लेवल पर यानी कि 90 लेवल के आसपास। खैर इसी से याद आया कि आपके कितना लेवल है गेम के अंदर, अगर आपका लेवल ज्यादा है या कम है तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता सकते हो। खैर मेरा तो लेवल 70 लेवल है जो कि आप लोग इसकी शॉर्ट में ही देख सकते हो। खैर यहाँ पर 2024 का न्यू रैंक सीजन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रैंक सीजन यानी उसका रिवॉर्ड ही समझ लो, रिवॉर्ड में बता रहा हूँ। जो उसका स्किन होने वाला UMP का जिसका नाम है डाउन ब्लोज कुछ ऐसा ही नाम है भाई, मैं प्रोनाउन नहीं कर पा रहा बट इसका स्किन कुछ इस प्रकार का है। रेंज इसका डबल होगा, डैमेज सिंगल होगा, मैगजीन माइनस होगा जो कि हाँ कह सकते हो स्किन ठीक ठाक है। और आज से पहले ऐसा डिजाइन गन्स कभी आए नहीं है हीरो के थीम पर यानी रैंक के थीम पर, तो भाई ये एक तरफ से कह सकते हो गरेना ने रैंक वालों के लिए भी बहुत अच्छा खासा सोच कर डिजाइन रिवॉर्ड दे रहा है। एंड इतना ही नहीं CS रैंक या
या फिर सीएस जो भी है उसको 4 times खेलते हो तो आप लोगों को ना पैरासोट का स्किन भी मिल जाएगा। जी हाँ, जो कि ये पैरासोट स्किन बहुत ही यूनिक है। आज तक तुमने स्किन नॉर्मली हीरोइक में देखते आ रहे होंगे, लेकिन हीरोइक में तो मैंने देखा भी नहीं, पता नहीं कौन सा था, लेकिन हाँ जो भी हो ये अभी तक का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट में बनाया गया। खैर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर 2024 का न्यू बोया पास का लुक देख पा रहे होंगे, जिसके जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, हालांकि ये तुम देख सकते हो यही कुछ प्रकार के रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, मैंने एक ही फोटो में दिखा दिया है। इसका पूरा लुक दिखाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर आपको पता ही है, जो चीज़ें रिवील ना ही करो तो उतना बेहतर रहता है, एक्साइटमेंट पहले से बढ़ी रहती है। खैर आप लोग सोच रहे हो कि यार तुमने जनवरी का सीधा दिखा दिया, नवंबर दिसंबर का कौन दिखाएगा, तो नवंबर का बोया पास भाई ये वाला होने वाला है और साथ में दिसंबर का ये वाला होने वाला है। तो कुल मिला के यार स्किन बहुत बढ़िया है, लेकिन नवंबर वाला जो बोया पास है ना उसके अंदर ना SKS स्किन होने वाला है, जिसका नाम पॉपेट शूटर होगा। और उसका ना रेंज जो मतलब मैं कह रहा हूँ उसका एट्रीब्यूट है उस गन का, वो बहुत ही बढ़िया है। रेंज डबल है, मैगजीन सिंगल है एंड रिलोड स्पीड माइनस है, जो कि कहीं ना कहीं देखो तो बहुत बढ़िया है। एंड चलो इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आप लोगों को ना 21 अक्टूबर को 3 नवंबर तक UMP और XAWM रिंग देखने को मिलेगा, यानी AWM के इनक्यूबेटर और UMP का इनक्यूबेटर मिक्स होकर आने वाले हैं, जहाँ पर आप अच्छा खासा स्पिन करके इसको निकाल पाओगे, यानी डायमंड्स के जरिए और कुछ टोकन भी। और इसमें ना एक टोकन आपको फ्री मिलने वाला, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई, प्लीज जाकर देख लेना, उसी के अंदर वो टोकन आपको फ्री मिलेगा। अलग बाई चांस रहा तो आपको UMP या फिर AWM की स्किन भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है वो वीडियो पक्का डिस्क्रिप्शन नीचे है भाई, देख लेना प्लीज। एंड यहाँ आगे बढ़े तो एक और आपको स्किन देखने को मिलेगा, द गोल्डन किंग फिशर। अब ये देखो यार स्किन मुझे जहाँ तक लगे ये CS रैंक का ही रिवॉर्ड होने वाला है, क्योंकि हर बार की तरह गोल्डन जैसा ही इसका कलर आता है, ये अपना रैंक रिवॉर्ड के तौर पर देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर लेगी डायनो पैन स्किन भी देखने को मिलेगा, और ये लेगी डायनो अगर पैन स्किन आ रहा है तो इसका मतलब कि आने वाले समय में जितने भी डायनो बंडल्स होंगे उसके थीम पर आइटम रिवॉर्ड जो भी है वो भी दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं। यही तो कुछ ऐसे अपडेट्स, मेजर अपडेट्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग अवेयर रहना। बाकी और भी कुछ मुझे पता लगेगा तो इन फ्यूचर वाले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर टाइम मिल जाए। खैर इसी तरह से आप अपना प्यार बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे लीक्स अपडेट्स न्यूज या फिर कुछ ना कुछ तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एंटरटेनमेंट करता रहूंगा। खैर गुड बाय।